तो स्वागत है दोस्तों एक और शानदार वीडियो में। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि भैया आप लोग जो पानी पूरी वाला जो मटर बनाते हो, मतलब जो चाट में यूज़ करते हो, उसको कैसे उबालते हो प्रॉपरली तरीके से। क्या होता है ना, कभी वो काला हो जाता है उबालने से, या फिर जो भी हम मीठा सोडा यूज़ करते हैं कितना यूज़ करते हैं वो सब, और एकदम अच्छी तरीके से कैसे उबालना है। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देख सकते हैं कि आप लोग ये मटर को रात भर फुलाया गया है, रात भर फुला के छोड़ देते हैं। और मटर क्वालिटी देख सकते हो आप लोग, मटर ना एकदम वाइट होना चाहिए, वरना उबलने के बाद कभी कभी काला हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं रात भर फुलाने के बाद, ये देखो अगर छिलके इसके निकलने लगे तो समझ जाओ कि रात भर फुलाने के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से फूल चुका है। अब इसको कैसे उबालना है, क्या प्रोसेस है, वो सब आगे वीडियो में आपको पता चलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मटर कैसे निकाल रहे हैं, मतलब वो जो पानी रहता है ना पुराना वाला, उसको अलग कर देना है, ताज़ा पानी डालना है और मटर को ऐसे करके निकालना है, कहीं कंकड़ वगैरह भी जा सकते हैं। ये देखो मटर पूरी अच्छी तरीके से फूल चुका है, अभी उबलने के लिए रेडी है। तो देखिए मैंने भट्टी पे इसको रख दिया, हो गया। अब इसमें अपन डालेंगे हल्का सा मीठा सोडा, तो चलिए अब अपन इसमें ऐड कर देंगे 50 ग्राम मीठा सोडा। तकरीबन 3 किलोमीटर में 50 ग्राम मीठा सोडा रहेगा और आँच ना मटर की कम रहेगी, मतलब भट्टे की, क्योंकि मटर को ना हल्के से धीरे धीरे उबलना चाहिए, तभी वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा उबल पाता है। तो चलिए मैंने इसको ढक दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं मटर देखने आया हूँ कि हुआ है कि नहीं, तो आप लोग बीच बीच में चेक करते रहिएगा। भाई हम लोग को तो एक्सपीरियंस है कि आधा घंटा पौन घंटा लगता है। ये देखिए अभी मैं दबा के दिखाता हूँ आपको इसको, देखो मैं दबा के दिखाता हूँ, ये हल्का सा हुआ है, मतलब अभी थोड़ा सा दाना और बाकी है, तो मतलब इसको 15-20 मिनट और लगने वाले हैं। तो इसको मैं फिर से ढक देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मटर पूरी तरह से उबल कर एकदम रेडी है और एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है, और मैं दबा के दिखाऊँ दाना। देखो ये देखो मटर पूरा अच्छी तरीके से उबल चुका है। अब इसमें क्या डालना है, सबसे पहले अपन को ऐड करना फूड कलर। ये देख सकते हैं ये फूड कलर है जो जलेबी में डालते हैं, ये वाला इसको ऐड करना है। और उसके बाद ऐड करेंगे अपन इसमें गरम मसाला, इसको मिलाने के बाद, इसको मिलाने के बाद आप लोग कलर देखिएगा मटर का। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, और उसके बाद ये गरम मसाला ऐड कर देंगे इसमें हल्का सा। और बाकी दोस्तों नमक मिर्ची वगैरह आपको अपने ठेले में ही ऐड करनी पड़ेगी, ताकि कस्टमर को पता चले कि हाँ मसाला इसमें डाला जा रहा है। इसको मिक्स कर देते हैं आप, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें हल्का सा नमक ऐड कर देते हैं, लेकिन बट वो वाला जो मसाला होता है ना, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये रगड़ा चाट के लिए बना रहा हूँ, तो जो कि तवे में ही पूरा सामान मेरे को डालना पड़ेगा, और चाट ठेले में सेट करके बता दूंगा मैं कैसे करना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इसको निकाल लेते हैं कपन तसले में। तो ये देखिए इसमें निकाल लेंगे, और ये ठंडा हो जाएगा 10-15 मिनट के बाद, तो उसके बाद इसको तसले में सेट कर देंगे। और कैसे सेट करना है मैं आपको दिखा दूंगा मैं आपको, ये देखिए दोस्तों। तो देखो मैंने ना अपने तसले को कुछ इस तरह जैसे सेट कर दिया है, और नीचे आग नहीं जलाई है, क्योंकि मैं आग नहीं जलाता हूँ, क्योंकि मैं रगड़ा चाट बेचता हूँ, तवे में बना के बेचता हूँ, तो ज़्यादा गैस ख़त्म करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं मटर को ना तवे में ही डाल के चाट बनाता हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं टिकिया सेक लेता हूँ, और चलिए फाइनली अब इसमें अपन धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं, और उसके बाद साइड साइड में हल्के हल्के से टमाटर रख दूँगा। तो ये फाइनली पूरा अब रेडी हो चुका है। तो दोस्तों मैं अपनी दुकान लेके आ गया हूँ, तो पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारा कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। Got pulled into the tide of some